गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सनतों और CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी मुअत्तल। सनतों की पैदावारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर। CNG स्टेशंस को 29 जून तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। अपोजिशन इमरान खान के लिए तड़ने वाला। हमें अपोजिशन से किसी किस्म का खतरा नहीं, वज़ीर दाखला शेख रशीद का बयान। कहते हैं कि इमरान खान को अफसोस है कि नवाज शरीफ धोखे से फरार हुए, अदलिया इंसाफ पर मबनी फैसले कर रही है। आइंदा माह किसी टैक्स चोर को नहीं छोड़ेंगे, वजीर खजाना शौकत तरीन का बयान। कहा कि 1 जुलाई से टैक्स इकदाम पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ की अपीलों पर हाई कोर्ट का फैसला, पाकिस्तानी अवाम की फतह है। शरीफ खानदान को अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस कर देना चाहिए, वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की शरीफ खानदान पर तनकीद। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल से पेट्रोल बहरान का खदशा, हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी के लिए वक्त मांगना था लेकिन मुतालबात माने और ना ही वक्त दिया गया, ऑल पाकिस्तान टैंकर्स एसोसिएशन का बयानिया। लियारी गैंगस्टर उजैर बलोच का इकबाली बयान, अहम राज उगल दिए। कहा कि महकमा फिशरीज ने मुझे 20 लाख और फरियाल तालपुर को 1 करोड़ रुपए भत्ता मिलता था। सेनेटर शहादत अवान और SSP फारूक अवान ने जमीनों पर कब्जा करने में मदद की। के इलेक्ट्रिक ने भी चाइना कटिंग में हाथ धो लिए। सुरजानी कस्टमर सेंटर चाइना कटिंग पर कायम कर लिया गया। के इलेक्ट्रिक का कस्टमर ऑफिस 400 गज पर कायम है। कराची में बैंक का लॉकर तोड़कर 250 तोला सोना चुरा लिया गया। बैंक अमले और अफसरान से पूछा गया तो सब ने लाइल्मी जाहिर कर दी। मुतासरा खातून ने इंतजामिया के खिलाफ नकबजनी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। शहरी तेल और घी की कीमतों में इजाफे के लिए हो जाए तैयार। 1 जुलाई से घी और खुरदनी तेल की कीमतों में 13 से 18 रुपये फी किलो इजाफा हो जाएगा, एसोसिएशन ने पेशगी आगाह कर दिया। और नस्ला टावर के मकीनों की अदलिया से फिर इंसाफ की अपील। इमारत की अराजी के तीसरे मालिक हैं। प्लॉट 1950 में सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से अलॉट किया गया था।